अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अस्मास कुकिंग फीवर। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही फेमस, बैंगलोर का फेमस बीफ पाया रेसिपी। तो आज हम इसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं आप देखिएगा। आप इसको मेरे मेथड से इस तरह से बनाइएगा तो आपको ये झटपट बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाली है आज। मैंने यहाँ पर चार पाए लिए हैं जिसे मैंने अच्छी तरह से इसको साफ कर लिया था पानी से, और थोड़ा बाल निकालने के लिए मैंने मैदे का इस्तेमाल किया था और इसको अच्छी तरह से मैंने साफ कर लिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसको साफ किया हुआ है। ये एकदम से क्लीन हो चुके हैं, ये इस तरह से लग रहे हैं मगर ये बहुत ही क्लीन हो चुकी है और बाल वगैरह सब निकल चुके हैं। अब हम इसको कुकर में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर इसको चार पाई लिए हुए हैं जिसको अब हम इस तरह से उसको अच्छी तरह से गला लेंगे। पहले इसको गलाना बहुत ज़रूरी है जिसमें बहुत ही वक्त भी लगता है मगर ये बहुत ही टेस्टी भी होता है। मैंने यहाँ पर एक एक करते हुए एक टीस्पून जिंजर का पेस्ट और एक टीस्पून गार्लिक का पेस्ट इस्तेमाल किया है। अब मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज ऑनियन चॉप करते हुए डाला है और मैंने यहाँ पर थोड़े गरम मसाले डाल रही हूँ और मैंने थोड़े इसमें काली मिर्च साबुत इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी जो है हाफ टी स्पून। अब हम इसमें 2 लीटर का पानी इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे पाए डाल दिए थे एक एक साथ। आप देख सकते हैं मैंने कहाँ तक पानी डाल ऐड किया हुआ है। अब हम पाए को पकने के लिए 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। जैसा ही ये खोलना शुरू हो जाए तो हम उसमें लिड लगा लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम इसको टेंडर होने तक इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से गला लेंगे। आप देख सकते हैं ये 1 से 1.5 घंटे तक पकने के बाद उस तरह से बना है। इतना गलने के बाद अब हम यहाँ पर मैंने 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है जिसमें मैंने ऐड किया है ऑनियन का पेस्ट। ये मैंने 3 प्याज ऐड किए हुए है जिसे मैंने अच्छी तरह से इसको पेस्ट कर लिया था। फिर अब मैं इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से सॉटे कर लूंगी। अब यहाँ पर मैंने 3 टमाटर ऐड किए हुए हैं जिसे मैंने 2 पीस लिए थे और 1 मैंने रफली चॉप करके डाला है। अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगी 1.5 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम इसको अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर डाला है 1/2 कप कर्ड दही। अब यहाँ पर आप जितना क्वांटिटी है उतना डबल करके इसको ऐड करें। हम इसको अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 टीस्पून नमक और फिर मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक और ज़्यादा ऐड किया हुआ था। आप अपने स्वाद के अनुसार इसको टेस्ट करते हुए ऐड कीजिए। अब मैंने यह सारे बड़े के पाए को इस तरह से डाल दिया था और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया था। आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसमें पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। आप जितना चाहते हैं उतना इसमें शोरबा बना लीजिए। अब मैं बड़े के पाए को 1/2 घंटे के लिए इसको ढककर मसाले के साथ अच्छी तरह से इसे पका लूंगी। पकाने के बाद मैंने आखिरी में यहाँ पर थोड़ा मिंट लीव्स यानी पुदीने के पत्ते और मैंने यहाँ पर थोड़े धनिया के पत्ते डाला है। अब मैं इसे डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फिर से 3 मिनट के लिए कुक कर लूंगी और मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक और ऐड कर रही हूँ इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर ली थी। बड़े के पाए बनने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है क्योंकि वो बड़े का पाया है यानी वो गलने में भी ज़्यादा वक्त लगेगा। और मैंने यहाँ पर 3 ग्रीन चिलीज ऐड किए हुए हैं। आप अपने स्पाइस के हिसाब से इसमें चिलीज ऐड कीजिएगा। आप इन पायों को इस तरीके से बनाइएगा, आप यकीन माने आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। मैंने यहाँ पर मसाला ना ज़्यादा ना बहुत ही कम, मैंने यहाँ पर एवरेज लेवल में इसको पकाया है। आप जिस तरह से मैंने इसकी रेसिपी बनाई है ये आपको हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी जिसमें आपको ज़्यादा स्पाइसीनेस भी नहीं लगेगा। आप इस तरह से इसको रोटी या फिर पराठा या फिर चपाती के साथ इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर खिलाइएगा। ये बहुत ही हेल्थी होता है। अपने बच्चों को भी इसको आदत डालें और इसकी हेल्थ बेनिफिट्स उन्हें भी बताइए और इसको पकाकर उन्हें भी खिलाइएगा।
बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं। मैंने यहाँ पर इसको एक बाउल में इसको सर्व कर दिया है। आप भी इस तरह से इसको सर्व करें और इसको चपाती के साथ अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और मुझे कमेंट करना मत भूलेगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल्स हैं। प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।